गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम एक नया रूल समझेंगे जिसको कहते हैं ट्रांसपोजिंग रूल। ठीक है, तो देखते हैं उस रूल को हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या है। सोल्व द इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 एंड चेक योर रिजल्ट। तो देखो, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करने का मीनिंग क्या होता है, एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है, वेरिएबल का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद हमें उस वैल्यू को, एक्स की जो भी वैल्यू हमें मिलेगी उसको इसमें पुट करना है। पुट करके चेक करेंगे वो वैल्यू करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल पार्ट है, राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल पार्ट है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले वेरिएबल पार्ट को एक साइड में कर लेते हैं। वेरिएबल पार्ट को या फिर या तो पूरे वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं या फिर पूरे वेरिएबल पार्ट को राइट हैंड साइड में कर लेते हैं। तो देखो किस में करेंगे, तो हम 3x को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे या फिर 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, तो वो हमें देखना होता है। छोटी वाली टर्म को हम मूव करते हैं। तो देखिए, 2x छोटा है, 3x बड़ा है, तो हम 3x को उधर नहीं लेकर जाएंगे, 2x को इधर लाएंगे, लेफ्ट में लाएंगे। ठीक है, 3x को लेफ्ट में लाएंगे। तो देखो, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग 2x। फ्रॉम कहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिंग 2x फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से क्या करेंगे, 2x को ट्रांसपोज करेंगे। कहाँ पर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ट्रांसपोजिंग 2x फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, वी गेट। तो देखो, ट्रांसपोजिंग का मीनिंग समझिए क्या होता है। जब हम किसी टर्म को ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो टर्म प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, और अगर वो माइनस की है तो प्लस की हो जाती है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो देखो, यहाँ पर 2x प्लस का 2x है ना, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 3x, इसको 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और राइट हैंड साइड में 18। समझ में आया। तो देखो, ये 2x लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद कैसा हो गया, माइनस का हो गया है, नेगेटिव हो गया। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव था ना, ओके 18 प्लस दैट। अब देखो, 3x में से हमें 2x को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना बचेगा, एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 18। तो देखो, हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल चुका है, एक्स इज इक्वल टू 18। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर। लेकिन अभी हमें क्या करना है, चेक योर रिजल्ट, रिजल्ट को चेक करना है, इस आंसर को चेक करना है, हमें देखना है ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, देखिए चेक, इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चेक, चेक रिजल्ट को चेक करेंगे। तो देखो, चेक में हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखो, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3x है ना, इक्वेशन में देखो लेफ्ट हैंड साइड 3x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और x का वैल्यू हमें क्या मिला है, 18, तो कितना होगा, 54। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है, 54। अब राइट हैंड साइड को चेक करेंगे, राइट हैंड साइड की क्या है हमारे पास, 2x प्लस 18, राइट हैंड साइड 2x प्लस 18 है ना, तो यहाँ पर 2 x की वैल्यू 18 पुट करेंगे और प्लस 18, तो कितना हो जाएगा, 18 टू जा कितना होता है, 36, और प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये 36 प्लस 18 54। अब आप देखो, देखिए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना है, 54, राइट हैंड साइड का वैल्यू भी कितना है, 54, दोनों साइड इक्वल है ना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो यही क्या होगा, यहाँ पर लिखे हैंस हैंस, जो देखिए हमारा जो आंसर था हैंस एक्स इज इक्वल टू 18 इज करेक्ट सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन, ये करेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। आंसर समझ में आया कैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है इक्वेशन, और उसके बाद फिर चेक कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर टू, देखिए क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं, इसमें क्या है, सोल्व द इक्वेशन 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है एंड चेक योर रिजल्ट, और रिजल्ट फिर हमें चेक करना है। इक्वेशन को सोल्व करने का मीनिंग क्या है, हमें इसमें टी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, वेरिएबल टी का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन गिवन है हमें, हमें इस इक्वेशन गिवन है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5, ठीक है। तो देखिए इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग ट्रांसपोजिंग मेथड। तो देखो ट्रांसपोज करेंगे हम, तो देखो हमें क्या करना है, वेरिएबल पार्ट को, देखिए वेरिएबल पार्ट लेफ्ट में भी है 5t और राइट में भी है 3t, तो वेरिएबल पार्ट को हम एक साइड करेंगे और कॉन्स्टेंट पार्ट को दूसरी साइड में करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए या तो हम 3t को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा या फिर 5t को हमें राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो छोटी टर्म होती है उसको ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पर हम 3t को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। 3t को कहाँ पर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो जब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ट्रांसपोजिंग किसको ट्रांसपोज करेंगे, 3t को, 3t कहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए 3t को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, वी गेट तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में 5t है और माइनस 3 है, और 3t को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3t हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, माइनस 5, क्लियर। अब देखिए प्लस 5t एंड माइनस 3t तो कितना बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, 5t माइनस 3t क्या होता है, 2t, क्लियर, और माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5, क्लियर। तो देखिए हमने वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में कर लिया है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस माइनस 3 को भी हटाना है। तो देखो हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या किया था, माइनस 3 को हटाने के लिए हम क्या करते थे, दोनों साइड में ऐड करते थे, प्लस 3 को ऐड करेंगे, इसे हम ट्रांसपोज मेथड से भी यहाँ से हटा सकते हैं। तो देखो ट्रांसपोज मेथड से क्या करेंगे, माइनस 3 को राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाकर इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 3, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोजिंग किसको ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 3 को, माइनस 3 कहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड वी गेट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2t बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस 3 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा ना, और ये माइनस 5 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में था तो ये हो जाएगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट, आप देखो 2t इज इक्वल टू 3 माइनस 5 कितना होता है, 3 माइनस 5 होता है माइनस 2, माइनस 8। अब देखो आपको लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आपको कितना मिला था, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी आपको माइनस 8 मिला था, और राइट हैंड साइड का वैल्यू भी आपको क्या मिला, माइनस 8, दोनों वैल्यू सेम है ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, हैंस
हैंस टी इज इक्वल टू माइनस वन, ये जो टी का वैल्यू है माइनस वन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमें मिला था माइनस वन, ये वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, सोल्व द इक्वेशन 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो देखिए इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है एंड चेक योर रिजल्ट, और बाद में क्या करना है हमें फिर इसके रिजल्ट को चेक करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, गिवन इक्वेशन क्या इक्वेशन गिवन है हमें, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। क्लियर, क्या करेंगे इसमें, देखिए वेरिएबल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है, कॉन्स्टेंट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में भी है, कॉन्स्टेंट पार्ट राइट हैंड साइड में भी है। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल पार्ट को एक साइड करेंगे और कॉन्स्टेंट पार्ट को दूसरा साइड में करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 3x को भी हमें कहाँ लाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिंग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग किसको ट्रांसपोज करेंगे, 3x को, ट्रांसपोजिंग 3x कहाँ से करेंगे, फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, तो क्या करेंगे 3x को लेफ्ट हैंड साइड से, वो सॉरी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इंप्लाइज दैट 5x प्लस 9, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें 3x और आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस 3x, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्लस 3 का 3x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया है, तो ये माइनस 3x हो गया। अब देखो इट इम्प्लाइज दैट 5x माइनस 3x कितना होता है, 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x होता है 2x। ठीक है, अब देखिए 2x और क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, 9, 9 इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, अभी वेरिएबल पार्ट को तो हमने ट्रांसपोज कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड में, अब कॉन्स्टेंट को किधर करेंगे, राइट हैंड साइड में। तो देखो 9 को कहाँ पर लेकर जाएंगे, प्लस 9 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग किसे ट्रांसपोज करेंगे, 9 को, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसपोज करेंगे टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में से ट्रांसपोज करेंगे वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू, देखिए प्लस 9 कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये प्लस 5 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है और प्लस 9 राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। क्लियर, आप देखो इट इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 9 कितना होता है, 5 माइनस 9 क्या होता है, माइनस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इस 2 को भी रिमूव करेंगे, तो 2 को रिमूव करने के लिए हम क्या करते थे, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते थे, या फिर हम डायरेक्ट इस 2 को भी राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं। देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है ना, एक्स की मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसलिए 2 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो 4 के नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 के नीचे यहाँ पर 1 है ना, तो 2 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 1 में। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस, ऊपर माइनस 4 और नीचे 1 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 2। क्लियर, तो x का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 4/2। तो देखिए 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा कितना होता है 4, देयर फोर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू माइनस टू। तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आंसर। अब क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे ये सॉल्यूशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसको कैसे चेक करेंगे,
अब देखिए यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं चेक चेक। देखिए सॉल्यूशन को चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू चेक करेंगे कितना है, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, देखो ऊपर देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन था, 5x प्लस 9, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना फाइंड होगा, देखिए 5x, 5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस टू, 5x, 5x हो गया प्लस 9, प्लस 9, 5x प्लस 9, तो देखो कितना बनेगा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू, 5 टू जा कितना होता है 10, तो ये माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 9 तो कितना होगा, माइनस 10 प्लस 9 कितना होता है, माइनस 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हमें क्या मिला, माइनस 1। अब किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या था देखो ऊपर, राइट हैंड साइड क्या था, 5x प्लस 5 प्लस 3x, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड में 5 प्लस 3x, x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, माइनस 2, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू तो हमें माइनस 2 मिल चुका है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5, देखिए 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे, प्लस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 टू 6, आप देखिए 5 माइनस 6 कितना होता है, 5 माइनस 6 का वैल्यू होता है माइनस 1। अब देखो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी हमें माइनस 1 मिला, राइट हैंड साइड का वैल्यू भी हमें माइनस 1 मिला, दोनों वैल्यू क्या मिले हमें सेम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस 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 एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इज करेक्ट, इज करेक्ट सॉल्यूशन, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 क्या है, करेक्ट सॉल्यूशन है आंसर, ठीक है ठीक है। अब देखो हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, टी का, तो यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, लास्ट एक्सरसाइज में हम यहाँ पर 2 को कैसे हटाते थे, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते थे, हम यहाँ से डायरेक्ट 2 को हटा सकते हैं, डायरेक्ट कैसे हटाएंगे इसको, 2 को हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लेकर जा सकते हैं, तो देखो क्या होता है, ये इंटू में है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर माइनस 2 के नीचे 1 ले सकते हैं, तो देखो इस ये 2 अगर हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये किस में मल्टीप्लाई होगी, इसकी 2 की, इस 2 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी नीचे, ठीक है, इस 2 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, 1 में, तो हम इसे लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 वन जा 2, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है हमें, माइनस 2 को 2 से डिवाइड करना है, 2 से 2 वन जा 2, देयर फोर वैल्यू ऑफ टी कितना आ जाएगा, माइनस 1, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है, इक्वेशन का सॉल्यूशन आ चुका है, टी इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है, अभी चेक भी करेंगे इसको, तो यहाँ पर चेक चेक करेंगे चेक, ठीक है, तो रिजल्ट को चेक करेंगे, चेक कैसे करते हैं, ये जो वैल्यू हमें मिला है इसको वेरीफाई करते हैं, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो हम दोनों साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है हमारे पास इक्वेशन में, 5t माइनस 3, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5t, टी का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5t का वैल्यू माइनस 1, 5t माइनस 3, ये था ना लेफ्ट हैंड साइड, 5t माइनस 3, तो टी के प्लेस पर माइनस 1 पुट करेंगे, तो कितना होगा, 5 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे, 5 वन जा 5, माइनस 5 होगा, और ये माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस 5 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 8, क्लियर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हमें क्या मिला, माइनस 8। अब हम राइट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या था हमारे पास, राइट हैंड साइड था हमारे पास 3t माइनस 5, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 3t, टी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, माइनस 1, 3t माइनस 5, ये था हमारे पास, तो इसको सोल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो कितना होगा, 3 वन जा 3, माइनस 3, और ये माइनस 5, क्लियर, माइनस 3 माइनस 5 कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
सोल्व द इक्वेशन 4z+3 इज इक्वल टू 6+2z। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। सोल्व करके क्या करना है, वेरिएबल जेड का वैल्यू हमें फाइंड करना है। उसके बाद क्या करेंगे, एंड चेक योर रिजल्ट, और रिजल्ट को चेक करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन हमें गिवन है, देखो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 4z+3 इज इक्वल टू 6+2z। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट पार्ट को राइट हैंड साइड में। तो देखिए ये क्या करेंगे, 2z वेरिएबल पार्ट है ना, इसको हम किधर लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिंग 2z। देखिए ये स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं होता है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। जैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं ट्रांसपोजिंग 2z फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4z, क्लियर, +3, ठीक है, और 2z को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा, -2z इज इक्वल टू 6। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, तो देखो यहाँ पर 4z-2z का वैल्यू कितना होगा, 4z-2z ये कितना होगा, 2z, और +3 इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को 3 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो +3z राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, +3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2z इज इक्वल टू, देखिए 3 को लेकर जाएंगे हम किधर, 3 को किधर लेकर जाएंगे, राइट हैंड साइड में, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट 2z इज इक्वल टू 6-3 का वैल्यू क्या होता है, 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 को हटाएंगे। 2 को कैसे हटाएंगे, या तो दोनों साइड को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट हम 2 का मल्टीप्लाई कहाँ पर करते हैं, डिनोमिनेटर में। 2 का मल्टीप्लाई नीचे डिनोमिनेटर में होगा, तो 3 का डिनोमिनेटर क्या है, नीचे 1 कह सकते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो कितना आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू 3/2, 1 या 2। तो देखिए वेरिएबल का वैल्यू कितना मिल गया हमें, 3/2। यही क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन हमें मिल चुका है, अभी क्या करना है, हमें सॉल्यूशन को वेरीफाई करना है, चेक करना है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको, चेक कर लेते हैं। तो देखो चेक करते हैं, तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड का वैल्यू हम चेक करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू चेक करेंगे, क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखिए क्या था लेफ्ट हैंड साइड, एक बार देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में क्या था, 4z+3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 4z, जेड का वैल्यू कितना मिला हमें, 3/2, 4z+3 ये है ना। अब देखो 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6+3, कितना आ जाएगा, 6+3 का वैल्यू 9। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हमें क्या मिला, 9। अब किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, देखो कुछ इक्वेशन में राइट हैंड साइड 6+2z, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे राइट हैंड साइड में, 6+2z, जेड का वैल्यू तो हमें क्या पुट करना है, 3/2, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 6+, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 6+3, तो आंसर क्या होगा 6+3 का 9। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी 9 था, राइट हैंड साइड का भी वैल्यू 9 है, दोनों वे साइड सेम है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, हैंस जेड इज इक्वल टू 3/2 इज द करेक्ट सॉल्यूशन, क्लियर, ये क्या है, करेक्ट सॉल्यूशन है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5,
देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है सॉलिड, इसको हमें सोल्व करना है एंड चेक योर आंसर, और फिर आंसर को हमें चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन हमें गिवन है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखिए वेरिएबल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में भी है, वेरिएबल पार्ट राइट हैंड साइड में भी है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल पार्ट को कहाँ पर लाते हैं, एक साइड में लाते हैं, ठीक है। तो छोटा वेरिएबल क्या है, माइनस एक्स, ये 2x बड़ा है, तो छोटे को हम बड़े की साइड में लाएंगे, इधर लाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ट्रांसपोजिंग माइनस एक्स फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इस सेंटेंस को लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2x माइनस 1, देखिए माइनस एक्स को कहाँ ट्रांसपोज करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट में, तो ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 14, क्लियर। तो हमने क्या किया है, इसमें ट्रांसपोज किया है माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखो प्लस 2x एंड प्लस एक्स कितना हो जाएगा, प्लस 2x एंड प्लस 1x प्लस 3x हो जाएगा, क्लियर, एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब माइनस 1 को भी यहाँ से हटाएंगे, तो माइनस 1 को कहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 14, माइनस 1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1, क्लियर, साइन चेंज हो जाता है जब ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। 18 प्लस दैट 3x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 कितना होता है, 15, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, 3 को हटाना है, 3 को भी हम देखिए 3 और x दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, ठीक है। तो यहाँ से 3 को हमें कहाँ ले जाना है, 15 के नीचे हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, तो देखो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई किस में होगा, 1 में, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा। तो 18 प्लस दैट इसे क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 1 जा 3, क्लियर। अब क्या करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा क्या होता है, 15, तो यहाँ पर देयर फोर वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो देखिए सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, गिवन इक्वेशन का 5, ठीक है, सॉल्यूशन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं चेक, चेक करना है हमें, क्या करना है हमें, सॉल्यूशन को चेक करना है। सॉल्यूशन को कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या था क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड था 2x-1, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5, 2x-1, ठीक है, इज इक्वल टू 5 2 जा 10 -1, 10 -1 का वैल्यू क्या होता है, 9, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। राइट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखिए राइट हैंड साइड क्या था इक्वेशन में, 14 -x, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, राइट हैंड साइड में 14 -x, x का वैल्यू तो 5 है ना, तो यहाँ पे 14 -5, तो देखिए 14 -5 का वैल्यू कितना होगा, 9, 14 -5 क्या होता है, 9। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आपके पास क्या आया है, 9, राइट हैंड साइड का वैल्यू भी क्या मिला हमें, 9, दोनों वैल्यू सेम है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, दोनों साइड क्या है, इट मीन्स इक्वल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस हैंस एक्स इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन, इज द करेक्ट सॉल्यूशन, इज द करेक्ट सॉल्यूशन आंसर। देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू दोनों सेम नहीं आते हैं, तो इट मीन्स सॉल्यूशन करेक्ट नहीं होता है, उसमें हम क्या, उसमें हमने कुछ मिस्टेक किया है, ठीक है। और अगर ये दोनों साइड इक्वल आएंगे तभी सॉल्यूशन क्या होगा, करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सोल्व द इक्वेशन 8x+4 इज इक्वल टू 3 ब्रेकेट एक्स माइनस 1 ब्रेकेट क्लोज प्लस 7। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है एंड चेक योर रिजल्ट, और लास्ट में क्या करना है, रिजल्ट को चेक करना, वेरीफाई करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर सिक्स। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन। क्या इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन हमें गिवन है 8x+4 इज इक्वल टू 3 ब्रेकेट स्टार्ट एक्स माइनस 1 ब्रेकेट क्लोज प्लस 7। ये इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस ब्रेकेट को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 8x+4, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखेंगे। 3 का मल्टीप्लाई ब्रेकेट में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 3x, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 बन जाए 3, तो यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, ब्रेकेट को ओपन कर सकते हैं, ब्रेकेट अब लगाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होगी। प्लस में क्या है 7। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, 8 implies that। अब देखो वेरिएबल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में भी है, वेरिएबल पार्ट राइट हैंड साइड में भी है। तो ये छोटा वेरिएबल है और ये बड़ा है, तो छोटे को इधर लाएंगे, बड़े बड़े वेरिएबल के पास लाएंगे। तो देखो ट्रांसपोज करेंगे 3x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज होता है ना, तो ये 3x लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो कैसा साइन हो जाएगा इसका, -3x। ओके, तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8x। ठीक है, इसको 3x को कहाँ पर लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, -3x हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इस ये +4 है, +4 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो इट इज इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड में -3 ऑलरेडी है, +7 ऑलरेडी है, और ये +4 भी राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, एक ही लाइन में हमने दोनों काम किए हैं, वेरिएबल पार्ट को ट्रांसपोज किया है लेफ्ट हैंड साइड में और कॉन्स्टेंट पार्ट को राइट हैंड साइड में, दोनों काम एक साथ भी हम कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर 8x-3x क्या होता है, 8x में से 3x को सेपरेट करेंगे 5x। अब देखो राइट हैंड साइड में देखो, देखिए -3 and -4 कितना हो जाएगा, -3 and -4 -7 हो जाएगा, -7 और +7 कितना हो जाएगा, -7 and +7 0। ठीक है, अब देखिए इस 5 को यहाँ से हटाना है तो 5 कहाँ पर जाएगा, देखिए x की मल्टीप्लिकेशन में है ना ये, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 को इधर लेके जाएंगे तो ये कहाँ पर जाएगा, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, तो 5 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, 1 में नीचे, तो इसे लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू 0/5 बन जा 5। इट देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 0 को 5 से डिवाइड करेंगे, 0 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0। तो देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसको चेक कर लेते हैं, इस सॉल्यूशन को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे चेक, इस सॉल्यूशन को चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है क्वेश्चन में, देखो लेफ्ट हैंड साइड है 8x+4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, 8x का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 8x+4। क्लियर, तो देखो इज इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 बन जाएगा, 0+4, और 0 को 4 में ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हमें क्या मिला, 4। अब हम किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन में देखो राइट हैंड साइड क्या था, राइट हैंड साइड क्या था, 3x-1+7, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 3 ब्रेकेट x माइनस 1, एक्स तो 0 है ना, एक्स माइनस 1, 0-1 प्लस 7, ये था इज इक्वल टू। अब देखो 3 ब्रेकेट में देखो 0-1 क्या होता है, 0-1 का वैल्यू -1 होता है, 0-1 का वैल्यू क्या होता है, -1, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे ब्रेकेट में -1,
और प्लस सेवन। तो देखो थ्री का और माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री बन जाए थ्री माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। और प्लस सेवन, देखिए माइनस थ्री एंड प्लस सेवन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस थ्री प्लस सेवन का वैल्यू क्या होता है, प्लस फोर, ठीक है। अब तो देखो, देखिए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी हमारे पास फोर आया है और राइट हैंड साइड का वैल्यू भी हमारे पास फोर आया है, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द करेक्ट सोल्यूशन, इज द करेक्ट सोल्यूशन आंसर, ठीक है। ये क्या है, करेक्ट सॉल्यूशन है।